भारत स्वाभिमान के विचारों का संवाहक योग संदेश, विचारों की क्रांति की मशाल योग संदेश मासिक पत्रिका स्वयं पढ़ें तथा दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हिंदी सहित 11 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित। आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों, पतंजलि आरोग्य केंद्रों व बुक स्टॉलों से खरीदें योग संदेश। अध्यात्म और संस्कृति का अनंत प्रकाश आस्था अब आपके मोबाइल पर। आप जब चाहें तब योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से सुनिए योग, प्राणायाम, आसन एवं आयुर्वेदिक उपचारों के द्वारा स्वस्थ जीवन का रहस्य। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी से सुनिए फलों व औषधीय पौधों से रोग उपचार। साथ ही आस्था पर प्रसारित विभिन्न संतों व भजन गायकों के भजनों को सुने। आज ही डायल करें 505-1919, BSNL के उपभोक्ता डायल करें 1-2-555-19। पतंजलि आयुर्वेद के उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य वर्धक खाद्य उत्पाद एवं जड़ी बूटियों से निर्मित सौंदर्य प्रसाधन हर्बल कॉस्मेटिक्स हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व चंडीगढ़ के बाद अब पूरे देश में खुले बाजार में उपलब्ध है। जो भी देशभक्त व्यापारी इन स्वदेशी उत्पादों को उपलब्ध कराने की इस स्वदेशी सेवा में सहयोग करना चाहते हैं, वे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से तुरंत संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें जोरदार अभिनंदन। ऐसे भारत माता के राष्ट्रवादी जिन्होंने जज्बाती सपूतों पर हमें गर्व है और इस कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि अब समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, सब बैठ जाएंगे, जो बैठे थे वो बैठ जाओ वापस, क्योंकि पीछे बहुत भाई बहन, मेरी नजरें भी जहां तक नहीं देख पा रही है वहां तक हाथों में तिरंगा दिखाई दे रहा है। एक बार सबका अभिनंदन। कार्यक्रम के दौरान हमारे वो बुजुर्ग जो हमारे पिता तुल्य हैं, और मैं देश के आम आदमी की पीड़ा को मैंने देखा है, वहां मैं खुद पैदा हुआ हूं, और देश और दुनिया के अमीर लोगों को देखा है और उन्होंने अपने घरों में भी मुझे आमंत्रित किया है। जब से 4 जून का आंदोलन छिड़ा, सत्ताओं के खिलाफ ये बगावत हुई, सारे के सारे वो बड़े बड़े पूंजीपति जो पहले मुझे बुलाया करते थे, मेरे पास आया करते थे, बोले बाबा प्यार तो करते हैं लेकिन तेरे पास आने से डर लगता है। एक भारत माता का बेटा बैठा है सिंताराम जिंदल, और वह संघर्ष के समय हमारे मंच पे आके बैठा है। जिंदल साहब एक बार खड़े हो जाइए जरा, एक बार सबके ओर से इस बेधड़क बेटे का, भारत माता के इस लाल का अभिनंदन है। बैठे बैठे, और ऐसा हिम्मत रखने वाला होना चाहिए कि आ जाओ जिसके जी में आए, और ऐसा कोई, अब ये कोई यूं कहेगा मैं हरियाणा की बात कह दूंगा तो बोलेगा बाबा अपने वाड़ी की बड़ाई कर रहा, लेकिन भाई ऐसी ताल ठोकने की हिम्मत वहां की माटी में है। एक बार फिर से अभिनंदन है इनका। सुनो भाई बहनों, अरे आज ये 3 जून को आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, 4 जून से लड़ाई अब शुरू हो जाएगी और तब तक चलेगी जब तक ये काला धन नहीं मिलेगा, उसका ऐलान अब होने वाला है। मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता कल से क्या होगा। आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने भी कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, एक एक गांव में एक एक जिंदा शहीद तैयार करना पड़ेगा, और अन्ना साहब वो शहीद तैयार कर दिए गए 6,38,365 गांव में।
बस उनका प्रशिक्षण का काम पूरा हो जाएगा और ये हिंदुस्तान को बचाने का काम अब हिंदुस्तान के गांव के लोग करेंगे, शहर के लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। हम जितने भी यहां पर बैठे हैं सब भारतवासी, हम पहले गांववासी हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग 2-3-5-7 पीढ़ियों पहले गांव में पैदा हुए थे। गांव में भारत की आत्मा बसती है। याद रखो, गांव में हमारे पूर्वजों की आत्मा बसती थी और उस मिट्टी को उठाने का मतलब है अपनी पूर्वजों की आत्मा को श्रद्धांजलि देना, उनको उनका श्रद्धा श्राद्ध करना। भाई बहनों, कल से क्या करना है? कल से जो ग्राम आंदोलन समितियां 6,38,365 गांव में बन चुकी हैं, वो अपना काम शुरू करेंगी। हमारी तहसील समितियां इस काम में लगेंगी और 4 जून से लेकर के, वैसे काम तो 1 महीने में हो जाएगा लेकिन इसमें 8 अगस्त तक का समय लग सकता है। 9 अगस्त को अंग्रेजों ने, जिन्होंने बहुत जुल्म किया भारत के ऊपर, 70 से ज्यादा देशों में जिनका साम्राज्य था, जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उन अंग्रेजों को परास्त करने के लिए भारत के वीर वीरांगनाओं ने संकल्प लिया, पूज्य बापू के नेतृत्व में कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये 9 अगस्त को ये संकल्प हुआ था। अब 9 अगस्त को 6,38,365 ग्राम पंचायतों से और 2,32,37,000 ग्राम सभाओं से हम प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके इसको देश को दिलवाइए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाइए, अंग्रेजों के वक्त के चले आ रहे इन काले कानूनों को खत्म कीजिए, लेनिनाइजेशन एक्ट को खत्म कीजिए, अंग्रेजी तंत्र के स्थान पर स्वदेशी भारतीय तंत्र की स्थापना कीजिए। ग्राम सभाओं से लेकर के लोकसभा तक ये आवाज गूंजेगी और आदरणीय अन्ना हजारे साहब और हम सब मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 6,38,365 ग्राम पंचायतों के और 2,32,000 से ज्यादा ग्राम सभाओं के समर्थन पत्र को सौंपेंगे कि सारा हिंदुस्तान चाहता है काले धन को देश को दिलाओ। जब आपका काला धन नहीं है तो फिर आपको दिक्कत क्या है? जब आप भ्रष्टाचार नहीं करते हो तो मजबूत जनलोकपाल बनाने से क्यों डरते हो, यह तो बताओ प्रधानमंत्री जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनम् सृजाम्यहम्। यह उद्घोष किया था हमारे मोहन ने। प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे, भारत मां तुम्हें, जरा जोर से बोलो, जागो मोहन प्यारे। अब क्या कहें, ग्राम सभाओं से लोकसभा सदस्यों से हम मिलेंगे। आज ही मैं यहां बैठा हुआ था, चंद्रबाबू नायडू जी का फोन आया था मंच में ही, बोला बाबा जी एक काले धन को वापस दिलाने के अभियान में, मजबूत लोकपाल बनाने के अभियान में हम आपके साथ हैं। नायडू जी का एक बार अभिनंदन है। कल मैंने शरद यादव जी से भी बात की, लालू से भी बात करेंगे। अरे बात करने में क्या दिक्कत है, हमारा कोई खानदानी बैर थोड़ी ना है, हमारी कौन सी बहस खोल रखी है उसने। अच्छा मुझसे मिले ये जब पटना में, तो मुझसे बोला है उन्होंने, आप उन टीवी वाले उनका बयान लेना, उन्होंने मुझसे कहा था बाबा जी काले धन के अभियान में हम आपका साथ देंगे। पता नहीं बीच में कुछ चुगलखोरों ने चुगली कर दी। अरे भाई कोई यदि कोई कहता है भाई काले धन को दिलाने में हम साथ में और मजबूत लोकपाल बनाने में भी हम साथ में हैं, कैसे भी तय चाहे
हमें तो उनसे मैंने एक चिट्ठी लिखवा रखी है, ये चिट्ठी लेके जाऊंगा सबके पास, लालू जी के पास भी जाऊंगा, शरद यादव जी के भी पास जाऊंगा, आदरणीय मुलायम सिंह जी के भी पास जाऊंगा, नितिन गडकरी जी के भी पास जाऊंगा और पूज्य माता सोनिया गांधी जी के भी पास जाऊंगा। हमने तो अपने गुरुओं से, हमारे गुरु जी बैठे, दोनों गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पश्यति। यह दर्शन था हमारा, पराये धन को मिट्टी के समान जानो और सब मां बहन बेटियों को माता के समान देखो, यही दर्शन अपने बड़ों ने दिया है। इसलिए ये पत्र तैयार कर लिया है और सबको आज भेज भी दिया है। हमने उनसे बहुत आदर पूर्वक कहा है कि हम कुछ नहीं चाहते, हम तो काला धन वापस चाहते हैं, हम तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाना चाहते और बने हुए कानूनों को मजबूती से लागू करवाना चाहते हैं और शिक्षा में सदाचार बढ़े। याद रखो हमारे जेएस राजपूत जी बैठे कि जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं आएगा, शिक्षा में संस्कार नहीं दिए जाएंगे। आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे लड़ रहे हैं, हमारे गुरुओं ने हमें सदाचार की शिक्षा दी है। यही शिक्षा जब भारत के हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दी जाएगी तो कोई भारत का बच्चा बेईमान नहीं हो सकता, बल्कि बेईमानों के सीने के ऊपर वार करेगा, प्रहार करेगा, उनका विनाश करने के लिए खड़ा हो जाएगा। शिक्षा में बदलाव जरूरी है, जब सदाचार नहीं बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। हम उनसे कहेंगे काले धन को दिलाने के लिए उसकी 7 प्रक्रियाएं हैं, उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन करो, पार्टिसिपेटरी प्रॉमिसरी नोट को खत्म करो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक नया प्रोविजन करो जनरल पर्पस एफआईआर का, और जो अवैध धन अवैध संपत्ति इलीगल मनी इलीगल एसेट्स देश के भीतर और बाहर जो भी जमा हो उसकी स्क्रीनिंग के लिए अपने आप को प्रस्तुत करो। 36,000 से ज्यादा जो सरकार के पास सोच रहे हैं, 9,900 जो ट्रांजेक्शन है और 3,000 से जो ज्यादा सरकार के पास नाम, उनके नाम बताओ, बड़े नोट को बंद करो, नोट में खोट है, बड़े इस टैक्सेशन प्रणाली को, बैंकिंग से कैसी लोच को खत्म करो। अरे पहले तो इन भ्रष्टाचारियों को अपना काला धन जमा कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब तो इन काले धन जमा करने वाले बैंकों की शाखाएं यही खोल दी बेईमानों ने, ये सब तमाशा बंद करो। ये पत्र लेकर के जा रहे हैं, मैं कल 2-3 नेता कल से शुरू कर रहा हूं, कल ही मिल रहा हूं और सिग्नेचर करके देंगे, पहले भी करके दिया था और शुरुआत सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के एवी वर्धन जी ने की थी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। ये हम पर आरोप लगाते हैं हम किसी पार्टी के एजेंट है, हम पार्टी के एजेंट नहीं, किसी संगठन के एजेंट नहीं, हम 121 करोड़ लोगों के एजेंट हैं, ये कहते हुए मैं गर्व है, हम उनके लिए काम करेंगे। तो ये चिट्ठी लेकर के जाएंगे सब पार्टी के अध्यक्षों के पास, नीचे हमारे कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, वहां के लोकसभा के सांसद से, राज्यसभा के सांसद से इस समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कराएंगे। क्या है समर्थन पत्र? ग्राम सभा से लोकसभा तक भारत स्वाभिमान आंदोलन के काले धन को वापस लाने व आगे से काला धन जमा ना हो इसकी 7 प्रक्रियाओं, भ्रष्टाचार के लिए मजबूत लोकपाल बनाना, बने हुए कानूनों को लागू करना, शिक्षा में सदाचार बढ़ाना, इन 3 उपायों, व्यवस्था परिवर्तन के 6 मुद्दों, राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, चुनाव सुधार जिसकी बात कर रहे थे आदरणीय अन्ना हजारे साहब, भूसत्ताओं की लूट को खत्म करना और अंग्रेजों के वक्त के बने हुए काले कानूनों को के स्थान पर स्वदेशी कानून व्यवस्था लागू करना। इन 6 मुद्दों पर मैं पूर्ण सहमत हूं। अगली बार FDI की चाबी, ये ना काले धन की चाबी,